कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने शुक्रवार को रादौर में रोड शो निकाला। इस दौरान जगह जगह नवीन जिंदल का भव्य स्वागत लोगों द्वारा किया गया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में नवीन जिंदल ने कहा कि उन्हें लोगों का पूरा समर्थन व प्यार मिल रहा है, जिससे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में वे ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वे जनता के साथ मिलकर विकसित कुरुक्षेत्र, विकसित रादौर व विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये बहुत हमें लोगों में जो है बहुत उत्साह है और बहुत गर्मजोशी के साथ सभी जगह लोगों ने अपना आशीर्वाद हमें दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर हम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं। नवीन लोग ये मानते हैं कि नवीन जिंदल उनके दिलों में बसता है और नवीन जिंदल उनके परिवार के सदस्य है और ये वो सभी नवीन जिंदल के परिवार के सदस्य हैं। तो हम सब एक परिवार हैं और हम मिलकर एक विकसित कुरुक्षेत्र, विकसित यमुनानगर, विकसित रादौर और विकसित हम देश बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे होकर हम काम कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जनता की हर समस्या को सरकार की मदद से दूर किया जाएगा। इसके अलावा भी वह अपने निजी प्रयासों से कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में दो विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, जहां 10,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में कार्य कर सके। इसके अलावा बेटियों के लिए स्कॉलरशिप देने का कार्य करेंगे, ताकि वह अपनी शिक्षा पूरी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।